अजमेर शहर की हर खबर सबसे पहले केवल 30 मिनट में आपके मोबाइल पर। हेडलाइन शाम 5 बजे, बुलेटिन शाम 6:30 बजे। देखने के लिए विजिट करें होराइजन हिंद न्यूज सच के साथ। ऑटो चालकों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन, 20 किलोमीटर रेडियस में ऑटो चलाने की मांगी इजाजत, कलेक्टर ने दिया आश्वासन। अजमेर शहर के 20 किलोमीटर क्षेत्र में ऑटो चलाने की मांग को लेकर ऑटो चालकों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। ऑटो चालकों की ओर से एडवोकेट राजेश टंडन के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने कलेक्टर से मुलाकात कर ज्ञापन दिया। कलेक्टर ने शिष्टमंडल को आश्वासन दिया, कलेक्टर आरटीओ और ट्रैफिक विभाग से बात कर निर्णय करेंगे। आज इसका ज्ञापन भी दिया और रेडियस 20 किलोमीटर वाला मांगा है, तो जिलाधीश महोदय ने कहा कि मैं पुलिस विभाग से और आरटीओ विभाग से दोनों से रिपोर्टें मंगा के इस अगस्त माह के अंदर ही, मतलब आज जुलाई खत्म है, अगस्त माह में दोनों से रिपोर्टें मंगा के टीएमसी की मीटिंग करके और जो है आपको इसका निर्णय कर देंगे, आपके पक्ष में करेंगे और उस पर सबको कमेटी में सबको लेना पड़ता है, सबकी राय लेनी पड़ती है। जिलाधीश महोदय के आश्वासन पर हमने जब तक वो निर्णय नहीं देंगे 15-20 दिन के लिए अपना आंदोलन जो है स्थगित किया, ख़त्म नहीं किया है, स्थगित किया है। जो हम कल से हड़ताल पे बैठ रहे थे वो आज नहीं, आज हमने भी ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि 15 दिन का जब इन्होंने समय हमसे मांगा है तो उस 15 दिन का समय देना उचित है, क्योंकि वार्ता से ही किसी बात का नतीजा निकलता है। तो हमारे जो कार्य हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, यथावत ऑटो अपने चलाते रहेंगे और 15-20 दिन के अंदर जो भी सरकार निर्णय देगी वो हम उसको बात करके फिर आंदोलन की अगर रूपरेखा बनानी होगी तब बनेगी।